गरीब काली नंदो की घमंडी अंग्रेजन बहू। गायत्री के दो बेटे आतिश और कबीर और तीन काली बेटी अनुष्का, माहिरा और पाखी थे। गायत्री अपने बड़े बेटे आतिश की शादी पिंकी से कर देती है, जो कि बहुत गोरी चिट्टी लेकिन गरीब परिवार से आई थी। काम तो उसने बखूबी संभाल लिया था, लेकिन तीनों नंद उसे अक्सर गरीबी के कारण परेशान किया करते थे। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। ऐसे ही दोपहर के समय तीनों काली नंद सोफे पर पड़ी हुई टीवी देख रही थी। ओहो, इस चैनल पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ओ भाभी, भाभी जरा इधर आना। हाँ, और थोड़ा सा मेरे लिए जूस भी लेकर आना, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। आई दीदी, बोलिए। अरे भाभी, इस चैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा, जरा चेंज कर दो। ये ठीक है दीदी। नहीं, थोड़ा और आगे करो, ऐड हो रहा है इस पर। बस 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 बस, यही रहने दो भाभी। अरे नहीं, मुझे नहीं देखना, थोड़ा गाने वाला चैनल लगाओ। दीदी, ये वाला ठीक रहेगा क्या? इस पर अच्छा गाना आ रहा है। बहुत बकवास गाने आ रहे हैं। अरे भाभी, मैं आपको कितनी बार बोलूं, वही चैनल लगे रहने देते। खैर, एक्शन मूवी लगा दीजिए। भाभी ये ठीक है, यही देखेंगे ये दोनों भी। ठीक है दीदी, मैं जूस लेकर आती हूँ। ओ भाभी की बच्ची, मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो एक कप चाय बनाकर ले आना अदरक की। ठीक है दीदी। तीनों काली नंद बेहद चालाक थी और पिंकी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। तभी वह अपनी दोनों ननद को चाय और जूस लाकर दे देती है। लीजिए दीदी। अरे भाभी, आपकी मम्मी ने आपको एक नेकलेस दिया था ना, वो सोने का है ना, मुझे अपने पार्टी के लिए दिखा देना। नहीं दीदी, वो सोने का नहीं है, उस पर सोने का पानी चढ़ा है, बताया तो था माँ जी और आप सबको पहले ही। हे भगवान, करमजली गरीब कहीं की, मैं तो भूल ही गई थी आप एक फटीचर घर से आई हैं। बस भगवान ने शक्ल दे दी चांद जैसी, लेकिन पैसों के बिल्कुल भिखारी हो। पता नहीं माँ ने तुम जैसी एक गरीब लड़की से मेरे भाई की शादी कैसे करा दी। अपना मनहूस चेहरा ले जाइए यहाँ से। दीदी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं, और ये पैसों वाली बात कहाँ से आ गई? जब शादी हुई थी तो माँ जी को सब कुछ पता था। उसी का तो हम मर जाना भुगत रहे, इतना जानने के बाद भी ये हाल है। जाइए, जाकर काम कीजिए। आंखों में आंसू लिए पिंकी घर के कामों में लग जाती है। कभी कभी तो गायत्री भी अपनी बहू को गरीबी का ताना देती है, और तीनों नंद उसके गोरे रंग रूप से जलती भी थी। एक दिन गायत्री अपनी तीनों बेटी से खाते खाते बात कर रही थी। अरे ओ कुलच्छनी, मेरी थाली में रोटी कम हो गई, जरा रोटी सब्जी डाल, अकल नहीं है क्या? सॉरी माँ जी, मैं बस कर ही रही थी। अरे माँ, ये एक नंबर की काम चोर भाभी है, कुछ होता नहीं है इस गरीबन से। वैसे माँ, अब आप छोटे भैया को लंदन से बुला लीजिए, उनकी शादी कर दीजिए, बहुत याद आ रही है। अभी फोन घुमाती हूँ तेरे भैया को। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और गायत्री पिंकी को धक्का देती है, जिससे गिरकर उसकी कोहनी पर चोट लग जाती है। आ आऊ की बच्ची, नौटंकी कम कर और जा जाकर दरवाजा खोल। जी माँ जी। तभी पिंकी बहू गेट खोलती है। देवर जी आप? माँ जी, दीदी, अनुष्का दीदी, पाकी दीदी, माहिरा दीदी, जल्दी आइए, देखें तो देवर जी आए हैं और इस घर की छोटी बहू को भी लाए हैं। घर के सभी लोग बाहर आते हैं और वो कबीर की पत्नी को छोटे कपड़ों में देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अंग्रेजन बहू जो थी। कबीर बेटा, तूने शादी कर ली और इसने तो बड़े छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। हाँ माँ जी, इससे आप खोखो या पटी हो रही है क्या? जब आपका बेटा लंदन से अंग्रेजन बहू को ले आया तो ऐसे कपड़े तो पहनूंगी ही। चलिए जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए। और ये तीन खाली रंग की लड़की कौन है, नौकरानी है क्या? भाभी तमीज से बात कीजिए, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, यानी कि आपकी नंद, और ये दोनों भी आपकी नंद है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। ओ नंद, हाउ मच एटीट्यूड डू दीज थ्री हैव, इनकी अकल तो मुझे ठिकाने लगानी ही होगी। तो आप तीनों मेरी शक्ल क्या देख रही हैं? गृह प्रवेश कीजिए। हाँ माँ, कीजिए ना, आपकी बहू आ गई। बेटे की बात सुन गायत्री अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। Nice, so this is my ससुराल। अरे आप जेठानी जी, पिंकी राइट? हाँ, तुमने मुझे कैसे पहचाना? वो दरअसल लंदन में ये आपकी बहुत बातें करते थे, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, बस अभी दरवाजा खोलने आ रही थी तभी जल्दबाजी में लग गई। जरूर जेठानी जी, जानबूझकर मुझे कुछ नहीं बता रही हैं, ये चोट सासू माँ या टीनो नंद ने ही दी है। जाओ तुम दोनों बच्चे अपने कमरे में आराम कर लो। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर अंग्रेजन क्रिस्टी अपने पति से जेठानी के हाथों पर लगी चोट का जिक्र करती है।
मैं क्या करूं क्रिस्टी, इतनी दूर रहकर मुझे सब कुछ पता है लेकिन भैया को कुछ भी नहीं पता। पता नहीं भाभी कब तक ये सब सहेंगी। चिंता मत करो कबीर, जेठानी जी का बदला अब मैं लूंगी। तुम्हारी तीनों बहनों को मैं सीधा करके ही रहूंगी। अगले दिन क्रिस्टी बेड पर लेटे लेटे अपनी तीनों नंद को आवाज देती है, जिस कारण तीनों उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ भाभी, आपने हम तीनों को क्यों बुलाया इतनी सुबह सुबह? हम सो रहे थे ना? सो रहे थे, लेकिन आप सब बिल्कुल भी नहीं सोना। रोज सुबह 7 बजे उठकर घर के सारे काम करने हैं आपको, समझे? अब मैं तो लंदन में रहने वाली लड़की हूँ, घर के काम मैं नहीं करूँगी, इसलिए सारे काम आप करोगी। और अगर आप तीनों ने चालाकी दिखाई तो मैं आपको लंदन के महंगे गिफ्ट्स नहीं दूंगी जो कि मैं लेकर आई हूँ। क्या, लंदन का गिफ्ट? हाँ हाँ, हम तीनों काम कर देंगे, पर आपको शॉपिंग भी करवानी होगी हमें। ओके, बट कुछ दिनों बाद करवा दूंगी, पर उससे पहले मुझे अभी कॉफी लाकर दे दीजिए। ठीक है, हमें मंजूर है। उसके बाद तीनों भीगी बिल्ली की तरह घर के सारे काम करती हैं और जेठानी कपड़े धोने जाती है तो अंग्रेजन बहू उसके हाथ से साबुन लेकर कहती है, अरे दीदी आप क्या कर रही हैं? ये सारे काम आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों दीदी करेंगी। पर वो कैसे कर सकती हैं? बहू आपको बहुत परेशान करती है ना, चाहिए आप पास्ता खाइए, मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। ठीक है। फिर तीनों नंद जैसे ही सफाई का काम खत्म करके बैठती हैं, उन्हें कपड़े धोने के लिए वो कह देती है। क्या कपड़े धोने हैं? अभी तो हम पूरे घर की सफाई करके आए हैं तीनों, थोड़ा बैठने तो दीजिए भाभी। आप जाएंगी या नहीं? लंदन वाले गिफ्ट चाहिए या नहीं? हाँ। फिर तीनों कपड़े धोती हैं। 15 दिन गुजर जाते हैं। क्रिस्टी तीनों नंद से घर का सारा काम करवाती है। कभी तो अंग्रेजन तीनों को कालेपन का ताना दिया करती थी जिसमें गायत्री कुछ नहीं कह पाती है, और कबीर भी अपनी तीनों बहनों को काम करता हुआ देख हैरान हो जाता है। और तंग आकर एक दिन तीनों बहनें कहती हैं, माँ बस अब हम तीनों से और काम नहीं होता। ये अंग्रेजन भाभी अपने आप को समझती क्या है जो हमसे घर के बैक टू बैक काम करवाए जा रही है, और आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? ये सुनकर अंग्रेजन बहू आती है। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या आप तीनों को? अब पता चला आप तीनों कैसे परेशान करती थी जेठानी जी को, कि ये ला कभी ये चैनल लगा दे कभी कुछ और। आपने कभी भी ये सोचने की कोशिश की कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा? हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमने बड़ी भाभी के साथ इतना बुरा किया कि हमें यही नहीं पता चला हमने उन्हें कितना दुख दे दिया, हमने क्या कुछ नहीं बोला उन्हें। मुझे नहीं, दीदी से माफी मांगिए, दीदी आइए। तभी पिंकी और कबीर आते हैं। पिंकी भाभी, हम तीनों ने बहुत गलतियां की हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें एक और मौका दीजिए। हाँ भाभी, आई एम ऑल्सो सॉरी। मुझे भी बहू माफ कर दे, मैंने भी तुझ पर बहुत चिल्लाया। अरे अरे, आप तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू देवरानी जी, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। मुझे तो पता था भाभी, मेरी क्रिस्टी लाखों में एक है। ये तो है। इस तरह सब हंसने लगते हैं और मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा तीनों नंद ने अपनी भाभी के साथ किया है वैसा आप कभी मत करना, वरना आपको भी कहीं ना कहीं क्रिस्टी जैसे सबक सिखाने वाली मिल जाएगी।